उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ दिनों के अंतराल पर मीडिया के सामने आती रहती हैं और अपने बयान से अन्य दलों को कुछ न कुछ सोचने का मौका दे देती हैं। मीडिया के समक्ष आने से पहले देश के सभी दलों के नेता इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद मायावती किसी न किसी गठबंधन में जाने का ऐलान कर दें, लेकिन हर बार वो एक शिगुफा छोड़कर चली जाती हैं। इस समय देश की लगभग हर छोटी बड़ी पार्टी दो गठबंधन में शामिल हो चुकी है। कुछ एनडीए के साथ है तो वहीं कुछ इंडिया गठबंधन के साथ है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती आखिर में इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 30 सीटों की मांग रखी है। अगर सूत्रों की बात पर यकीन करें तो मायावती बीच बीच में मीडिया के सामने आकर इसलिए कुछ न कुछ बयान देती हैं ताकि उनकी उपस्थिति दर्ज होती रहे और दोनों गठबंधनों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन ये तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो आत्मघाती कदम होगा। मंगलवार को मायावती का मीडिया के सामने आने की सूचना मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि आखिर मायावती क्या कहने वाली हैं। बसपा के कुछ नेताओं ने भी ट्वीट के माध्यम से मायावती की मीडिया से मुखातिब होने वाली सूचना दे दी थी। बसपा के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से मीडिया से बात करने की जो जानकारी दी गई थी शायद वो भी किसी न किसी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि रणनीति किस बात को लेकर थी इसकी जानकारी ना तो मीडिया से मुखातिब होने के पहले किसी को थी और ना ही मीडिया से बात करने के बाद किसी को हो पाई। मायावती ने अपने बयान में इंडिया और भारत शब्द को लेकर दोनों गठबंधनों यानी इंडिया और एनडीए पर मिली जुली करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक दोनों गठबंधनों ने जानबूझकर इंडिया और भारत जैसे शब्दों का अपमान किया है। मायावती ने इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इन दोनों शब्द की महत्वता को समझा था, संविधान में इन दोनों शब्दों का जिक्र है। ऐसे में इन दोनों गठबंधनों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का भी अपमान किया है। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर दिया है कि वो खुद ही संज्ञान लेकर इन दोनों गठबंधनों के खिलाफ कुछ आदेश जारी करे ताकि भविष्य में कोई भी देश से जुड़े हुए शब्दों के नाम पर अपने दल या किसी गठबंधन का नाम ही ना रख सके। मायावती ने मंगलवार को जो भी कहा उसका सही मायनों में बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे देश में इंडिया के नाम से बहुत कुछ है। इंडिया के नाम से कई सरकारी शिक्षक संस्थान हैं, कई प्राइवेट संस्थान हैं, यहाँ तक मीडिया संस्थानों के नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके जो कार्यवाही करने की बात की है उसका कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ मायावती को ये भी पता है कि विपक्षी दलों में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो कानून के जानकार हैं। इंडिया गठबंधन के दर्जनों नेता ऐसे हैं जो संविधान के भी अच्छे जानकार हैं। अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने के पहले सभी दलों के नेताओं ने इस नाम को लेकर सारे कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को अच्छी तरह से समझा होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल किसी एक दल, यहाँ तक कि सिर्फ कांग्रेस के कहने से इसका नाम नहीं रखा गया होगा। ऐसे में मायावती ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो आरोप लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ नाहक की पब्लिसिटी के लिए फेंका गया एक पासा भर था। इस पासे के जरिए मायावती दोनों गठबंधनों को शायद यही बताने की कोशिश कर रही होंगी कि उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी। मायावती भले ही कह चुकी हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन हकीकत इससे परे है। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी तो कितना नुकसान हो सकता है। 2019 में भले ही बसपा के 11 प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2024 में बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो शायद उसके एक भी प्रत्याशी चुनाव न जीत पाए। वैसे भी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। ये तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव में देश का अधिकांश वोटर या तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा या फिर एनडीए गठबंधन के साथ। लोग यही समझ रहे होंगे कि मायावती शायद किसी गलत फहमी में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी गलत फहमी में नहीं है,
मायावती एक समझदार और अनुभवी नेता है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्हें किसी न किसी गठबंधन में जाना ही होगा। शायद ऐसा वक्तव्य देकर वो अपना भाव बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, ताकि वो जिस भी गठबंधन में जाएं, उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिलें। लेकिन जैसा कि वो पिछले कई महीनों से कहती आ रही हैं कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, अगर वो ऐसा करती हैं तो राजनीतिक रूप से ये आत्मघाती कदम होगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।